नमस्कार किसान भाइयों, आरजी बीडस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह आरआईआर का मेल चेक है। अगर इसके डे की बात करी जाए तो आज इसको 39वें दिन हो चुका है। 39वें दिन के मैनेजमेंट के रूप में आप देख सकते हैं कि जो डिंकर के तीन बर्तन थे, मैंने डिंकर के तीन बर्तन, बड़े बड़े डिंकर के बर्तन लगा दिए हैं, क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। गर्मी में क्या रहता है, जो बर्ड रहता है उसको अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है और किसी प्रकार का बर्ड प्यासा न रहे, दाने की कमी न रहे, इसीलिए मैंने दाने के भी तीन बर्तन लगा दिए हैं बड़े बड़े, और जो इसको हैंगर से इसको टांग दिया है ताकि जो नीचे दाना वेस्टेज जा रहा था वो दाना वेस्टेज भी नहीं जाए, क्योंकि नीचे बर्तन रखने से दाना वेस्टेज अधिक जाता है और जो ऊपर लटका रहता है तो उस समय यह सिर्फ चोंच डाल के खाता है और नीचे ज़्यादा ये दाना फैलाता है। इसलिए बर्तन को भी प्रॉपर तरीके से जैसे मुर्गी पालन में करते हैं वैसे लटका दिया है और बर्तन भी रख दिया। आप देख सकते हैं कि आज मैंने इसको सब्जी के रूप में फूल गोभी और मेथी की सब्जी डाली। सब्जी मैं इसको रोज खिलाता हूँ ताकि जो मेरी जो फीडिंग की कॉस्ट है वह लो हो सके और मुझको अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्तरपी कुछ बच्चा सो रहा है, आराम कर रहा है। बच्चा जितनी तेजी से आराम करेगा उतनी ही तेजी से ये वेट गेन करेगा। कुछ बच्चा इस तरफ भी देखिए आराम की मुद्रा में है, खाना पीना खा के ये आराम फरमाइश कर रहा है, आप देख सकते हैं। और यदि इसके बॉडी वेट की बात करी जाए तो इसका बॉडी वेट लगभग 450 से 500 ग्राम हो चुका है। मैं स्क्रीन पर आपको लाइव अभी इसका बॉडी वेट करके बताऊँगा। स्क्रीन पर लाइव देख सकते हैं यह हैंगर वाली मशीन है जो मैंने अभी मंगाई हुई थी। यह हर मुर्गी पालन वालों को रखना चाहिए। जो भी किसी भी क्षेत्र में रहते हो, शहरी ग्रामीण क्षेत्र में, यह मशीन हैंगर वाली रखें। क्या जब भी आपको मुर्गा बेचना पड़ता है तो वजन करने की आवश्यकता पड़ती है और बीच बीच में मुर्गे का वजन लेना पड़ता है ताकि हमको पता चल सके कि कितने दिन में यह कितने फीट का के कितना वजन लिया है। आज इसका 39वां दिन हो चुका है। एक बच्चे का बॉडी वेट देख सकते हैं कि एक बच्चे का बॉडी वेट है यह लगभग 465 ग्राम हो चुका है। इस प्रकार हम बीच में बॉडी वेट नाप सकते हैं। हर जो मुर्गी पालक भाई हैं वो यह मशीन हैंगर वाली रखें, क्योंकि उनके मुर्गा बेचने के लिए भी यह मशीन की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी बात है, हम बीच बीच में बच्चों का जो रहता है वेट नापते रहते हैं ताकि हमको पता चल सके कि कितने दिन में कितना वेट गेन करा है। इसके पहले मैंने वेट नापा था तो 350 ग्राम वेट था और आज 39 डे हो चुके हैं और इसका वेट लगभग 450 ग्राम हो चुका है। और कुछ जो मुर्गे हैं उनका वेट 500 ग्राम हो चुका है। यदि वेट रेशो के हिसाब से देखा जाए तो आरआईआर का वेट जो है अभी 39वें दिन काफ़ी अच्छा वेट है। 39वें दिन के हिसाब से 450 से 500 ग्राम वेट काफ़ी अच्छा है। और फीडिंग की कॉस्ट बचाने के लिए आज मैंने इसको फूल गोभी और मेथी की सब्जी डाली। फूल गोभी मेथी की सब्जी स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं कि बच्चे चुग रहे हैं और बहुत सी सब्जी ये खा चुके हैं। इससे क्या रहता है, जैसे कि जितना हम फीड की कॉस्ट लो करेंगे उतना हमको अधिक से अधिक मुनाफा होगा। यदि हम फीड की कॉस्ट बढ़ जाती तो हमको किसी प्रकार का मुर्गी पालन में कभी फ़ायदा नहीं हो सकता। इसीलिए लोअर फीड की कॉस्ट अपनाएं किसान भाइयों। आप देख सकते हैं कि यह छत के ऊपर पाला है, इसलिए लोअर कास्ट पर अपनाने के लिए जो बाज़ार में सस्ती सब्जी रहती है वह लाके डालता हूं ताकि फीडिंग की कॉस्ट लो हो और हमको अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। बीच में मैंने इसको कल मेट्रोजेल 400 दवाई चलाई थी ताकि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यह मजबूत हो जाए और इसकी जो पाचन क्षमता है यह मजबूत हो जाए। यदि इसके अंदर हमने सब्जी खिला रहे हैं, किसी प्रकार का मान लीजिए बैक्टीरिया चला गया हो उसके पेट के अंदर, तो जो मेट्रोजेल 400 गोली रहती है, जो इसका जो बैक्टीरिया जीवाणु रहता है वह इसके पेट के अंदर ही नष्ट कर देता है और इसको जो यह है क्या रहता है स्वस्थ हो जाता है और इसको किसी प्रकार की भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं होता। इसीलिए मेट्रोजेल गोली 2 दिन चला दी ताकि किसी प्रकार की बीट की समस्या भी नहीं आए, क्योंकि बाहर का जो हम वेस्टेज लाते हैं उसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया वो हो सकता है, लेकिन हमको फीडिंग की कॉस्ट कम करना है तो हमको बाहर का ला के डालना पड़ेगा। लेकिन हम साफ़ सुथरी सब्जी लाते हैं और हमेशा काट के डालते हैं ताकि बैक्टीरिया पनपने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन उसके बाद भी हम परहेज के रूप में इसको मेट्रोजेल 400 चलाते हैं ताकि मान लीजिए धोखे धंधी से किसी प्रकार का बैक्टीरिया चला हो गया हो तो वह इसके अंदर ही समाप्त हो जाए। आप देख सकते हैं कि 39वें दिन बच्चा काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मैं 1 दिन से लेके 1 केजी तक आपको वीडियो बनाता रहूँगा। यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो आरजी ब्रीडर्स चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।